नमस्कार, ओवर म्यूजिक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इंडिया के टॉप 10 फोक म्यूजिक कौन से हैं? फोक म्यूजिक का मतलब है लोक गीत। फोक म्यूजिक एक पुरानी शैली है। इस गीत को पारंपरिक लोक गीत भी कहा जाता है। फोक म्यूजिक परंपरा और संस्कृति पे डिपेंड करता है। किसी भी देश या राज्य के नाम के पीछे फोक नाम जुड़ता है तो वह उसकी संस्कृति को प्रदर्शित करता है। अमेरिकन फोक, राजस्थानी फोक भारत के टॉप 10 फोक म्यूजिक में पहला है। बिहू गीत असम में गाया जाता है, सबसे प्रसिद्ध और प्रिय लोकगीत है। बिहू गीत उत्सव के समय साल में 3 बार गाया जाने वाला गीत है। ये मधुर और सरल गीत होता है जो असमियों की दैनिक जीवन की गतिविधियों को बताता है। गीतों का विषय प्रकृति प्रेम, सामाजिक संदेश और भविष्य की आकांक्षाओं से संबंधित होता है। हमारा दूसरा लोकप्रिय गीत है बाहुल। बाहुल बंगाली कला से संबंध रखता है। बाहुल लोक संगीत जीवन के दर्शन के बारे में होता है। देश भर में यात्रा करने वाले संगीत के समूह को बाहुल बोला जाता है। वे दार्शनिक रूपकों से भरे गीत गाते हैं। इसमें एक तारा, दो तारा और खमक जैसे इंस्ट्रूमेंटों का यूज किया जाता है। हमारा तीसरा है लावणी। लावणी महाराष्ट्र का लोकप्रिय गीत है जो महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ये गीत समाज और राजनीतिक जानकारियों के इर्द गिर्द घूमते हैं। ढोलकी की धुनों के साथ इस गीत को कई क्लासिकल तत्व मनोरंजक और चंचल बनाते हैं। ध्वनि को कामुक, सामाजिक और राजनीतिक के रूप में देख सकते हैं। हमारा चौथा लोकगीत है पांडवानी। ये लोकगीत उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में गाए जाने वाला बेहद ही दिलचस्प संगीत है। भारत का इतिहास और कथाएं कुछ ऐसी हैं जो हमारे जीवन में बसती हैं। पांडवानी वह लोकगीत है जो अपने गीतों के माध्यम से महाभारत के पात्र और कहानियों का वर्णन करता है। हमारा पांचवा लोकगीत है भावगीत। ये कर्नाटक के सबसे महत्वपूर्ण लोक संगीत में से एक भाव अभिव्यक्ति का संगीत है। गायकों के भाव ज्यादा मायने रखते हैं क्योंकि यह संगीत दर्शन, प्रेम और प्रकृति के विषयों को व्यक्त करने के बारे में है। नंबर 6 पर है हमारा मांड। मांड राजस्थान का यह लोकगीत पूरे भारत में प्रसिद्ध है। राजस्थान को शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत दोनों के रूपों में जाना जाता है। यह संगीत लोकप्रिय संगीत गजल और ठुमरी जैसा लगता है, लेकिन ये काफी अलग है। मांड का भावपूर्ण संगीत सारंगी और लय और ताल पर बजाया जाता है। ये राजस्थान की जीवन शैली को बयां करता है। नंबर 7 पे हमारा कजरी। कजरी उत्तर प्रदेश बिहार के लोक संगीत का बेहतरीन रूप है। इसके बारे में माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति मिर्जापुर में हुई थी। यह संगीत महिलाओं के लालसा के समय गाया जाता है जब उनके पति लंबे समय से दूर होते हैं। कजरी लोकगीत उदास होने के लिए जाने जाते हैं। नंबर 8 पर है हमारा बरी। बरी अरुणाचल प्रदेश में गाया जाने वाला लोकगीत है। ये संगीत राज्य के इतिहास, पौराणिक कथा और धार्मिक विद्याओं से संबंधित होता है। अतीत की महिमा और कहानियों को गीतों के माध्यम से गाया जाता है। ये गीत भी लोगों के बीच उदासीन भावना पैदा करता है। नंबर 9 पे हमारा जेनियांग। नागालैंड का ये लोकगीत बहुत ही सुंदर और जीवंत रूप है। नागालैंड का ये संगीत एक आदिम शैली है। इसे मुख्य रूप से जेलियांग जनजाति द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। इन गीतों में लोग लाल और काले रंग के पोशाक पहनते हैं। इन गीतों का संगीत और बोल रोमांस, पैतृक कहानी और फसल के मौसम से संबंधित है। हमारा नटटूपुरा पटर। नाडु राज भलाई कर्नाटक संगीत को सबसे ऊपर महत्व देता है, पर इस लोकगीत की बात ही अलग है। यह तमिलनाडु की प्राचीन और प्रसिद्ध कला है। लोकगीतों के कई रूपों की तरह यह रूप भी खेती कटाई के विषय पर आधारित है। इस गीत में मुख्य रूप से ड्रम और शहनाई का प्रयोग किया जाता है।
मिलते हैं अगले।